गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th बेटा। आज हम लेसन नंबर 2 के अंदर सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी में सेकंड टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, कंपैरिजन ऑफ 3 सेक्टर्स इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। सेकंड जो है वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, एंड थर्ड वन इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे आप GDP भी कहते हैं। तीन सेक्टर के बारे में हमने बात की थी, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। उन तीनों का कंपैरिजन है इन तीनों पॉइंट्स के अंदर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। ऑल द 3 सेक्टर्स आर लिंक्ड और इंटरकनेक्टेड। फॉर एग्जांपल, कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट्स, प्राइमरी सेक्टर, इज कन्वर्टेड इंटू टेक्सटाइल इंडस्ट्री, it is secondary sector, and reach the market through the means of transport is tertiary sector। उन्होंने कहा है कि economic interdependence के अंदर तीनों sectors मिलते हैं आपको, primary मिलता है, secondary मिलता है और tertiary मिलता है। primary मिलता है कि जब cotton जो है वो raw material के रूप में agriculture से produce होती है, तो agriculture जो है वो primary सेक्टर के अंदर आता है, इसलिए हमने उस कॉटन को रॉ मटेरियल मानकर एग्रीकल्चर गुड्स को उसे क्या कह दिया, प्राइमरी सेक्टर कह दिया। जब वो रॉ मटेरियल को इंडस्ट्रीज में लाया गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, और कपड़ा बनाया गया, तो उसके अंदर क्या हुआ कि वो इंडस्ट्रीज सेक्टर से बिलोंग करने लगा, तो वो क्या हो गया, सेकेंडरी सेक्टर हो गया। और जब वो मार्केट में बनकर तैयार हो गया, और तैयार होने के बाद में जब वो मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट के थ्रू, यानी कि आपके वाहन के थ्रू अलग अलग मार्केट में पहुंचा डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए, कस्टमर को अवेलेबल होने के लिए, तो वो मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो टर्शियरी सेक्टर के अंदर इंक्लूड कर दिया गया। तो ये तीनों सेक्टर जो है वो आपके इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस से रिलेट हो गए। उसके बाद बात करते हैं आप फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की। दे आर डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर एंड आर नॉट मीट फॉर फर्दर प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग। उन्होंने कहा है कि जब ये गुड्स मार्केट के अंदर अवेलेबल हो गए, तो अब कस्टमर इन्हें परचेज करके कंज्यूम करेगा, उसके बाद इसी इन प्रोडक्ट का कोई आगे प्रोडक्शन यानी फर्दर प्रोडक्शन नहीं हो सकता। For example, by counting the value of the biscuit, we will also got the value of the flour from which biscuit is made and the value of the wheat from which flour is made. Therefore, biscuit is the final good and its value will be on the counted to find the production value, the value of intermediate goods. Flour and wheat are not counted. देखिए, उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि फाइनल गुड्स जब रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में चेंज कर दिया गया, और वो फिनिश गुड्स जो बनकर तैयार हो गया और वो मार्केट के अंदर पहुंच गया है, तो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जब उसे कस्टमर ने परचेज करके कंज्यूम किया है, उस टाइम अगर कस्टमर चाहे तो उसकी अलग अलग वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहता है, तो वो वैल्यू अलग अलग कैलकुलेट नहीं होती है। वो इसलिए क्यों, क्योंकि बिस्किट जो बनकर तैयार हुआ है उसके अंदर डिफरेंट टाइप के इंग्रेडिएंट्स हैं, और जब वो पैकेट बिस्किट का परचेज करके लेके आया, तो उसकी अलग अलग इंग्रेडिएंट की कॉस्ट उसके अंदर मेंशन नहीं थी, बल्कि टोटल कॉस्ट मेंशन थी, इसलिए भी बिस्किट की पैकेट की कॉस्ट तो जो है वो एनालाइज कर सकता है, लेकिन उस बिस्किट के अंदर जितने कंटेंट्स हैं जिनसे मिलकर वो बिस्किट बना है, चाहे वो वीट हो, फ्लोर हो, अदर चीजें हो, ठीक है, उनका अलग अलग जो एस्टिमेशन है कॉस्ट का, वो एनालाइज करना जो है वो कस्टमर के लिए इम्पॉसिबल है। इसलिए ये कहा गया है कि आप फाइनल गुड्स और सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कस्टमर जो है वो उस गुड्स को जब परचेज करके कंज्यूम करता है, तो उस टाइम केवल एक ही चीज को क्या कहना चाहिए, एनालाइज करता है उस टोटल कॉस्ट को, वो अंदर इंग्रेडिएंट की कॉस्ट को एनालाइज करने में अनेबल है, असमर्थ है। इसलिए कहा गया कि यहां पर रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड्स तक
और फिर फाइनल गुड्स तक भी क्या है, प्राइमरी सेक्टर भी इन्वॉल्व है, सेकेंडरी सेक्टर भी इन्वॉल्व है और टर्शियरी सेक्टर भी इन्वॉल्व है। उसके बाद तीसरा टॉपिक जो है वो जीडीपी का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का है, उसे हम यहाँ डिस्क्राइब करते हैं कि द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द ऑल थ्री सेक्टर्स इन द पर्टिकुलर ईयर इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ ए कंट्री। उन्होंने कहा है द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स, यानी कि उस कंट्री के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स जो है मार्केट के अंदर बनकर तैयार हुए और कस्टमर के लिए डिस्ट्रीब्यूट किए गए, उसको कंज्यूम करने के लिए चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो, उनका अगर हम टोटल किया करें तो वो टोटल जो है वो क्या कहलाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है, यानी जीडीपी कहलाती है। इट शोज द टोटल प्रोडक्शन इन ए कंट्री, जिससे हम एक एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि हमारे कंट्री के अंदर टोटल प्रोडक्शन गुड्स का और सर्विसेज का कितना हुआ है, क्योंकि हर तरह की इंडस्ट्री अपने अपने गुड्स को अलग अलग सप्लाई करती है, अलग अलग प्रोड्यूस करती है, उसका एस्टिमेशन जो है वो उसी के पास होता है। अगर हम टोटल कंट्री के अंदर होने वाले गुड्स की सप्लाई को जोड़ लें, जो हमारी सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज हैं उनकी सर्विसेज को ऐड कर लें, तो क्या दिखाई देता है, उससे जीडीपी एनालाइज की मदद होती होती है। और यहाँ पर जीडीपी एनालाइज करने के लिए और जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए हमें स्टार्टिंग सेक्टर से ही उस कॉस्ट को जोड़कर चलना पड़ेगा कि जब रॉ मटेरियल था उस टाइम क्या कॉस्ट थी, जब वो इंडस्ट्री के अंदर आया और डिफरेंट स्टेप से पास आउट हुआ तो वहां पर कॉस्ट क्या थी, जब वो बनकर तैयार हो गया फिनिश गुड्स के अंदर और वेयर हाउस में रखा गया उसकी कॉस्ट क्या थी, और जब वो वेयर हाउस से मार्केट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी जुड़ी है, उसके अंदर गुड्स इन ट्रांजिट की कॉस्ट भी जुड़ी है, उसके अंदर ब्रैकेज की कॉस्ट भी जुड़ी है, उसके अंदर क्या कहना चाहिए, थेफ्ट की कॉस्ट भी जुड़ी है, और साथ साथ क्या है कि जो रिटेलर है वो भी अपना उसके अंदर प्रॉफिट जोड़ता है, तो यहाँ पर मार्केट में कस्टमर को कितने रेट पर मिली है उसकी कॉस्ट को भी एनालाइज किया जाएगा। और यहाँ पर इन सब चीजों का कंसर्न प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर तीनों से हो जाएगा और तब हम जो है उसकी जीडीपी को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर आज मैंने आपके सामने तीनों सेक्टर के कंसर्न जो आपके कंपैरिजन थे, यानी कि पब्लिक प्राइमरी सेक्टर और आपका सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, तो तीनों के अंदर हमने मेंशन किया है कि कंपैरिजन जो किया है वो तीनों सेक्टर का क्या है, इकोनॉमिकल पार्ट पर भी, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के पार्ट पर भी और डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के पार्ट पर। इसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इसका डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर का इंडिया के अंदर क्या वैल्यू है, अब हमको डिस्कस करेंगे।